तो वहीं ग्वालियर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया और इस एग्जीबिशन में 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हुए। बच्चों को सैटेलाइट रॉकेट्स के हूबहू मॉडल्स को यहां पर दिखाया गया और उनके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ इसरो ने एक स्पेस ऑन व्हील नाम की एक बस को यहां पर प्रदर्शित किया जिसके अंदर अंतरिक्ष की दुनिया को दिखाया गया है। अंतरिक्ष की दुनिया देखकर बच्चे काफी ज्यादा यहां पर खुश नजर आए और इस एग्जीबिशन को इसरो अहमदाबाद ने लगाया था। और भारत के बाहर के जो वैज्ञानिक हैं उनको पढ़ें, जिससे हमारे देश की प्रगति जो है, क्योंकि विज्ञान पर ही आधारित होती है किसी भी देश और समाज की प्रगति, तो वैज्ञानिक रूप से हमारे यहाँ के छात्र आगे बढ़ेंगे जिससे राष्ट्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा और हमारे नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये प्रदर्शनी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ में हम लोग एक स्पेस ऑन व्हील्स एक बस लेके भी आए हैं अहमदाबाद से। तो स्पेस ऑन व्हील्स में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि मतलब एक रियल मॉडल आपको बच्चों को लगेगा कि एक उनको इंटरफेस ऐसा पता चलेगा कि हाँ सैटेलाइट कैसा दिखता है, रॉकेट कैसा दिखता है, लॉन्च कैसे होते हैं। तो हम लोग इसके पहले इस तरह से प्रदर्शनी अच्छा सामने ओके ओके